दोस्तों, अक्सर आपने टीवी मोबाइल पर सुना होगा कि जब पुलिस को कोई डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी का पंचनामा भर के पीएम यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस पर आपके दिमाग में कभी न कभी तो क्लिक किया होगा, आखिर ये पोस्टमार्टम क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी के पार्ट्स को निकाल कर भेज दिया जाता है। क्या पोस्टमार्टम के लिए परिवार की सहमति होनी जरूरी है? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल होंगे जो आपके दिमाग में पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही चलते रहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब लेकर दोस्तों हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पोस्टमार्टम भी एक तरह की दोस्तों सर्जरी ही होती है, जिसे मरने के बाद किया जाता है और इसे ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। पोस्टमार्टम करने में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो खुद बॉडी ही होती है, क्योंकि कई बार डॉक्टर को ऐसी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए दिया जाता है जिसकी मौत काफी पहले हो चुकी होती है। कई बार तो डॉक्टर्स को 2-3 साल पुरानी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम करके सही रिजल्ट प्राप्त करना देखिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी सड़े गले शव का पोस्टमार्टम भी डॉक्टर्स को करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी किसी एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है तो कभी संदिग्ध हालत में घर से ही किसी की बॉडी पुलिस को मिलती है। अब ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत किन किन कारणों से हुई है या उसकी मौत का कारण क्या है, उसे जानबूझकर मारा गया है या उसकी मौत नेचुरली हुई है, इन सब बातों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा उस इंसान की लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और इसके लिए इसे एक सर्जिकल प्रोसेस ही कहते हैं। इस प्रोसेस में मरे हुए व्यक्ति की लाश को मशीन और तमाम तरह के ब्लेड आदि से चीरा या काटा जाता है और फिर इन मशीनों के द्वारा उसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग और चेकिंग की जाती है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि डॉक्टर्स अपने मन से ही किसी भी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उस इंसान की फैमिली वालों की परमिशन जरूरी होती है। लेकिन देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस को मिली बॉडी का कोई रिलेटिव नहीं मिल पाता या वो संदिग्ध होती है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस या कोर्ट की परमिशन के बाद उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। आमतौर पर एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम 7 से लेकर 8 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान की मौत हो जाती है तो मौत के बाद उसकी बॉडी में नेचुरल तौर पर बहुत सारे चेंज आने लगते हैं, जैसे उसकी बॉडी 1 से 2 दिन में गलना शुरू कर देती है। इसलिए अगर किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम देरी से किया जाता है तो आने वाले रिजल्ट में बदलाव भी हो सकते हैं और मौत का सही कारण पता लगाने में दिक्कत आ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम कौन करता है। पोस्टमार्टम करने वाले लोगों की टीम में दोस्तों एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल होते हैं। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम करने में डॉक्टर्स की सहायता करने के लिए वार्ड बॉय भी मौजूद रहते हैं। अगर किसी इंसान की हत्या की गई है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष जगह पर किसी एनिमल ने काटा है तो डॉक्टर सिर्फ उसी जगह का पोस्टमार्टम करते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के तकरीबन 5 साल के बाद ही पोस्टमार्टम करने के लिए एलिजिबल होता है और गवर्नमेंट के अनुसार 50 या फिर 55 साल तक की उम्र के ही डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इससे ज्यादा उम्र के डॉक्टर्स पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम होता कैसे है। तो पोस्टमार्टम करने के लिए सबसे पहले जो डेड बॉडी लाई गई है उसे फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है और उसे एक सेपरेट रूम, जिसे हम पोस्टमार्टम रूम कहते हैं, वहाँ लाया जाता है। ये काम पैथोलॉजिस्ट के सहायक वार्ड बॉय करते हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम रूम में मौजूद डॉक्टर्स अपने स्टाफ और पोस्टमार्टम के लिए जरूरी सामान के साथ आते हैं और सबसे पहले बॉडी का बाहरी एग्जामिन किया जाता है। साथ में डेड बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उसके फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं, जिन्हें सबूत के तौर पर रख लिया जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पर बॉडी के पहले वाले घाव दिखाए जा सके। बाहरी बॉडी एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स द्वारा डेड बॉडी के अंदर ही चेकिंग होती है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सरे भी कहते हैं, जिससे अगर उसकी बॉडी के अंदर मान लो कोई चोट है तो एक्सरे से ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी है या उसे कोई गोली लगी है तो गन पाउडर कहाँ जमा है, ये सब चीजें पता चलती है। इसके साथ ही बॉडी के ब्लड को सैंपल के लिए भेजा जाता है और ब्लड के साथ साथ आंखों के लिक्विड को भी सैंपल के लिए भेजा जाता है, जिससे बॉडी के डीएनए का पता चल सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट को भी स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बॉडी की हालत ज्यादा खराब हो जाए तो फिंगरप्रिंट कैसे लेंगे? ऐसे में डॉक्टर बॉडी की कलाई के स्किन पर ऐसे कट लगाते हैं कि वो स्किन किसी ग्लव्स की तरह बाहर आ जाएगी और डॉक्टर उस ग्लव नुमा स्किन को पहनकर बॉडी के फिंगरप्रिंट ले लेंगे। इसके बाद शुरू होती है बॉडी की चीर फाड़। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर लाश को ऊपर से चीरना चालू करते हैं और उसे पेट तक चीर देते हैं। अगर बॉडी मेल की है तो उस पर वाई शेप में कट लगाया जाता है, जबकि अगर बॉडी फीमेल की है तो चीरा यू शेप में लगाया जाता है। इसके बाद डॉक्टरों के द्वारा मशीनों की सहायता से लाश के पूरी तरह से सही ढंग से चेकिंग की जाती है, जिसे करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। डेड बॉडी के अंदर की चेकिंग करने के लिए डॉक्टर्स बॉडी में मौजूद अंगों को काट कर बाहर भी निकाल लेते हैं और सभी अंगों को बारी बारी से तौला जाता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई कोई दोस्तों ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के शरीर के अंगों का वजन कम हो जाता है, तो वजन तौलने से पता चल पाता है कि कहीं मरने वाले को कोई बीमारी तो नहीं थी। आमतौर पर पोस्टमार्टम में शरीर को चीरकर किडनी, लीवर, दिल जैसे महत्वपूर्ण अंगों को बाहर निकाला जाता है। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे, इन बॉडी पार्ट्स को शरीर से निकालने के बाद क्या किया जाता है? क्या इन्हें बेच दिया जाता है या इन्हें वापस शरीर में ही जोड़ दिया जाता है? तो ऐसा है कि आमतौर पर तो भाई इन बॉडी पार्ट्स को निकालने के बाद जब पोस्टमार्टम का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो डॉक्टर्स इन पार्ट्स को वापस शरीर में ही जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी इन पार्ट्स को डॉक्टर्स स्टोर करके भी रख लेते हैं, और वो इसलिए कि कभी मौत का रीजन पता नहीं चल पाया तो इन पार्ट्स से थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। दोस्तों, इन पार्ट्स को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड का यूज किया जाता है जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। जब पोस्टमार्टम का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो डॉक्टर सभी अंगों को वापस से बॉडी में उनके स्थान पर रख देते हैं और फिर लाश को सील कर देते हैं। इसके बाद फिर से लाश को फ्रीजर में डाल दिया जाता है। अब जब बात पोस्टमार्टम की आती है तब कहीं ना कहीं विसरा का भी जिक्र जरूर होता है। दोस्तों, कई लोगों को विसरा के बारे में नहीं पता, तो हम आपको बता दें विसरा रिपोर्ट क्या होती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम करने के दौरान डेड बॉडी के विसरल पार्ट यानी किडनी, लीवर, दिल, पेट के अंगों का सैंपल लिया जाता है और इसे ही विसरा कहते हैं। वहीं पोस्टमार्टम को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि उसे पोस्टमार्टम की जरूरत ना पड़े और बिना पोस्टमार्टम के ही मौत के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सकता है, इसलिए अब पोस्टमार्टम को विकल्प के रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पोस्टमार्टम का प्रोसेस। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।